हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कृपया करके आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुड़े रहने के साथ, ताकि आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पहले से अपलोड है सारे वीडियोस, मैं फिर से नए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझा सकूँ। और अगर किसी को चाहिए आगे के वीडियोस, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप लोग वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.2, रेखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन का। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से बनने से पहले हम लोग को कुछ जान लेना होगा, जैसे कि रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। वो होता है, दो तरीके का फॉर्म होता है, यहाँ पे जानना होगा आप लोग को। एक तो होता है a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल 0, और एक होता है a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण होता है, इसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए सिचुएशन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल दो सिचुएशन होगी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, समझ लीजिए बात, आप लोग को पूरा चैप्टर में काम आएगा ये चीज। अगर a1 बटे a2 है, हो a1 बटे a2 हो और वो बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, ठीक है, बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तो अगर इस सिचुएशन का किसी रैखिक समीकरण इस सिचुएशन में रहा कि a1 बटे a2 है लेकिन b1 बटे b2 नहीं है इसके बराबर, तो जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो ग्राफ मिली थी। अच्छा, एक मिनट दिखाती हूँ मैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रतिच्छेद क्या होता है। मतलब अगर एक दूसरे को काटती है, अगर ये सिचुएशन रहा तभी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन सेक्शन 2 था उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसी सिचुएशन में ये होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ये जान लेना जरूरी है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और आंसर क्या निकलेगा, आंसर एक ही निकलेगा। देखिए, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है इसीलिए हमें पता चला है कि y बराबर 5 है और x बराबर 3 है, तो हमें आंसर पता चला है। तो क्या होगा, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय हल निकलेगा, ठीक है। ये होगी सिचुएशन नंबर 1 की। अब सिचुएशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 2 में अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है, बराबर नहीं है c1 और c2 के, तब क्या होगा, तब ग्राफ की रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी रेखाएं, क्या होगी, ग्राफ की रेखाएं समांतर होगी, ग्राफ की रेखाएं समांतर होगी, यानी क्या होगी ग्राफ की रेखाएं, यानी ऐसे होगी। मतलब अगर एक्सरसाइज 3 पॉइंट पहले चलते हैं, देख लीजिए, मैंने बताया था आप लोग को। देखिए, ये वाला जो एक्सरसाइज 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 था, जैसे मैंने बताया था, ये ग्राफ की रेखाएं समांतर है, मतलब एक दूसरे को, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करी, समांतर है। जब ऐसा सिचुएशन होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नहीं है, तब रेखाएं समांतर होगी और आंसर क्या निकलेगा, हल नहीं निकलेगा, मतलब आंसर ही नहीं निकलेगा, हल नहीं होगा इस सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में। और एक सिचुएशन नंबर 3 है, उसमें क्या है, इसमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ग्राफ की रेखाएं समांतर होगी, सॉरी समान क्या होगी, संपाती होगी, सॉरी संपाती होगी,
रेखाएं संपाती होगी। अब संपाती क्या होता है? संपाति का मतलब होता है कि एक रेखा है, मान लीजिए ये एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, दूसरे सी डी जो रेखा है उसी पे संपाति है। मान लीजिए यहां से और एक रेखा हो गई, मतलब ए बी यहां है और सी से डी, यहां सी और डी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई है, उसे कहते हैं संपाति। ठीक है, तो रेखाएं संपाति होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब आंसर बहुत सारा निकलेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया, ये चीज समझना जरूरी था। क्या होगा आप लोग समझ लीजिए, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, तीन ही सिचुएशन था। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन टू में क्या कहा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, संपाती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन निकला तो ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। मैंने कहा ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, अगर ऐसा सिचुएशन निकला तो समांतर होगी, और अगर ऐसा सिचुएशन निकला तो वो संपाती होगी। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया पहले ही, आप लोग को बस याद रखना है कि कौन सा सिचुएशन में क्या क्या होगा। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो प्रतिच्छेद करेगी, ऐसा सिचुएशन रहा तो समांतर होगी, ऐसा सिचुएशन रहा तो संपाती होगी, बस ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए क्या है, पहले समझाते हैं तो आप लोग को खुद में खुद समझ में आ जाएगा। 5x-4y+8=0, 7x+6y-9=0, यही है। तो देखिए, जैसा कि मैंने एक फॉर्म बताया था आप लोग को, a1 × x, यहाँ पे देखिए a1 × x, x 5x है, a1 × x, देखिए a1 × x, यहाँ पे x है और क्या गुना में है, 5, तो a1 के जगह क्या हो जाएगा 5, -4y है, ये b1y है, तो b1 क्या हो जाएगा -4। इसी तरीके से बनाएंगे, तो पहले मैं समझाने के लिए यहाँ पे आप लोग को लिख देती हूँ। ठीक है, a1 क्या है, a1 है यहाँ पे 5, b1 है -4, c है 8, a2 है 7, b2 है 6 और यहाँ पे क्या है, C2 है -9। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए A1 बटे A2 निकालते हैं, 5/7 होगा और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, B1 बटे B2 निकालते हैं तो -4/6, तो इसे काटेंगे तो हो जाएगा, 2 से अगर भागा देते हैं तो -2 और ये हो गया 3, यानी -2/3। देखिए A1 बटे A2 कितना निकला, 5/7, B1 बटे B2 निकला -2/3, यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। क्या नहीं है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ठीक है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पे हमारा सिचुएशन 1 आ गया, समझ में आ गया कि A1 बटे A2 नहीं है B1 बटे B2 के, तब ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर है अथवा संपाती, इसमें से हमें 3 बताना था, तो हमें समझ में आ गया कि ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया सेक्शन 1। ठीक है, बहुत आसान था। सेक्शन 2-3 देखते हैं ऐसे करके ही। सेक्शन
सेक्शन टू, सेक्शन टू में क्या समीकरण है देख लेते हैं। सेक्शन टू में है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और यहाँ पे है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, यही है। तो देखिए ए वन बराबर है 9, बी वन बराबर है 3, बी वन बराबर 3, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है। सी वन है 12, ए टू है 18, बी टू है 6 और सी टू है 24, ये है। पहले ए वन ए टू निकालते हैं, ए वन बटे ए टू बराबर 9/18, तो हो जाएगा 1/2 निकल गया, हो गया। अब देखिए बी वन बटे बी टू निकालते हैं, 3/6 है, ये भी 1/2 हो गया, 1/2 यानी 1/2 लिखते हैं, ठीक है। सी वन बटे सी टू निकाल के देखते हैं क्या आएगा, ये भी 12 से भागा चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2। देखिए ए वन बटे ए टू 1/2 निकला, बी वन बटे बी टू 1/2 निकला, सी वन बटे सी टू 1/2 निकला, यानी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, अत ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू के बराबर है सी वन बटे सी टू के। देखिए ये कौन सा सिचुएशन में आया है, ये सिचुएशन नंबर 3 में आया है, देख लीजिए। तब अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं संपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, हो गया। ये हो गया सेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का सेक्शन नंबर 2। अब चलिए सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है समीकरण, 6x माइनस 3y। अगर आप लोग पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनेगा, फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो गया। ए वन क्या है, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ए वन बटे ए टू, ठीक है, आप लोग को अब समझ में आ जाएगा। ए वन क्या है, ए वन है यहाँ पे 6। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये है ए वन, ये है बी वन, ये है सी वन। ए वन इंटू एक्स, बी वन इंटू वाई और सी अकेला रहता है। ए टू इंटू एक्स, बी टू इंटू वाई, देखिए बी टू इंटू वाई, बी टू क्या है यहाँ पे 1 है, वाई का कोई गुणांक नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है और सी टू, ठीक है। ए वन बटे ए टू यानी 6/y, यानी क्या हो जाएगा 3, यानी 3/1 लिखे या फिर 3 लिखे कोई बात नहीं है। फिर बी वन बटे बी टू क्या है, -3 और y का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, -1, माइनस माइनस कट, तो यहाँ पे क्या बच गया 3। फिर देखिए c1 बटे c2 भी निकालना होगा, 10/9 कुछ नहीं जाएगा, यानी देखिए a1 बटे a2 3 निकला, b1 बटे b2 3 निकला, c1 बटे c2 10/9 निकला, अतः हम लोग क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के। ये क्या है, ये सेकेंड सिचुएशन में आया, आप लोग ध्यान दीजिए, ये सेकेंड सिचुएशन में आया, यानी सेकेंड सिचुएशन में क्या था कि ग्राफ की रेखाएं समांतर होगी, तो लिखेंगे रेखाएं समांतर होगी, बस, और कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, बस ऐसे करके छोड़ देना है, क्योंकि हमें कहा गया था कि ग्राफ की रेखा समांतर है, असमांतर है या संपाती, यही हमें कहना है, हमने कह दिया। तो सेक्शन नंबर 2 में रेखा संपाती थी, सेक्शन नंबर 3 में समांतर थी, और सेक्शन नंबर 1 पे यहाँ पे ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन। तो कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं।